दोस्तों, अगर आपके घर में बेसमेंट है तो आपको वास्तु के हिसाब से उसे कैसे रखना है, आज इस बारे में बात करते हैं हमारी नई स्टोरी में। आप सबका स्वागत है, राधे राधे, और मैं हूँ मेघा। बेसमेंट बनवाते समय अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप वास्तु दोष से बच सकते हैं। लेकिन तब क्या हो जब आपने बेसमेंट बनवा लिया हो और गलत दिशा में हो और आपको समझ ही ना आ रहा हो और इससे वास्तु दोष लग जाए? तो आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर आप वास्तु दोष की समस्या से परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। ये टिप्स हैं, इन्हें जानकर आप अपने बेसमेंट के लुक को सुधार सकते हैं, आप बेसमेंट की वास्तु दिशा को ठीक कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार बेसमेंट में कभी भी भूलकर भी कोई पौधा ना लगाएं। इसके अलावा बेसमेंट के उत्तर पूर्वी भाग में कभी भी सोफा, बेड, टेबल, चेयर ना रखें। बेसमेंट में अलमारी, सोफा, बेड और चेयर हमेशा दक्षिण पश्चिम भाग में ही रखना चाहिए। बेसमेंट में आपको शीशा जरूर लगाना है। इसके अलावा बेसमेंट की खिड़कियों में लगे शीशे हमेशा पारदर्शी होने चाहिए। पर्दों के बारे में बात करें तो पर्दों का रंग हमेशा सफ़ेद, हल्का गुलाबी या फिर हल्का हरा होना चाहिए। बेसमेंट की दीवारों पर भी आपको हल्के रंग का पेंट कराना है। बेसमेंट का मेन गेट हमेशा उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान, आग्नेय या पश्चिम वायव्य में होना चाहिए। इसके अलावा बेसमेंट की सीढ़ियाँ, ऊपर की मंजिलों की सीढ़ियाँ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट में कभी भी रुपये पैसे का लेन देन ना करें। अगर आप बेसमेंट में गैर जरूरी सामानों को इधर उधर फेंक देते हैं तो ऐसा हरगिज ना करें। ऐसा करने से वास्तु दोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। घर में रहने वाले सभी जातकों को मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। बेसमेंट में ईशान कोण में कभी भी गंदगी ना हो, इसकी नियमित तौर पर आप साफ सफाई करें। अगर आप ये छोटे मोटे टिप्स ध्यान रखेंगे तो इससे पॉजिटिविटी का संचार होगा और आपके घर में बेसमेंट से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। वैदिक टीवी में अभी के लिए इतना ही। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुँचाई गई है। वैदिक टीवी इनकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।